फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप अपने घर में ख़राब पड़ी हुई टीवी से एक पावरफुल डीजे एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो इसे बनाने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी टीवी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप पुरानी टीवी से एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पुरानी टीवी को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके स्क्रू होते हैं, तो आपको स्क्रू ड्राइवर की वजह से इसकी बॉडी में से यहाँ पर निकाल लेनी है। तो इसके जो ऊपर का कैप है वो यहाँ पर ईजिली निकल जाएगा। तो मैंने इसके चारों स्क्रू निकाल दिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको कौन सा सर्किट यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टीवी के अंदर एक पीसी बोर्ड होता है, जिसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारी वायरिंग हो रही है। तो आपको एक एक करके सारे वायर यहाँ पे निकाल लेने, यानी कि आपको सारे कनेक्शन आपको कट कर लेने। यहाँ पे कुछ वायर यहाँ पे सोल्डिंग भी हुए होते हैं, वो आपको कट कर लेने कटर की मदद से। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे वायरिंग इसके यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ताकि सर्किट बोर्ड में से मैं आपको बता सकूँ कि इसमें आपको कौन सा सर्किट यूज करना है ऑडियो एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सारे वायर को यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। तो आपको भी ठीक इसी तरीके से ये वायर निकाल लेने हैं। फ्रेंड्स, आपको जो ESD होती है उसका वायर आपको यहाँ पे कट कर देना बीच में से, तभी वो निकलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी ठीक इसी तरीके से निकालना है। तो हमारा जो PC बोर्ड है वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इससे एक एम्पलीफायर बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको इसका जो ऑडियो सेक्शन होता है वो आपको यूज करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑडियो सेक्शन कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडियो के लिए इसमें 2003 नंबर की एक IC होती है, तो उसका सर्किट यहाँ तक होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसका सर्किट कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटर की मदद से, यहाँ जो आरी का पत्ता होता है उसकी मदद से आपको इतना सर्किट आपको कट कर लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेना है, ताकि इसका कोई भी कनेक्शन यहाँ पर निकल ना पाए। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसका ये सर्किट यहाँ पर कट कर लिया है। तो बाकी का PC बोर्ड आपको साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके जो स्पीकर के कनेक्शन होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए होते हैं, तो इनका कनेक्शन आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसके साथ एक स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप दो स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको पावर सप्लाई कहाँ से देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है 470 माइक्रोफेराड का, तो इसका ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। तो नेगेटिव पे आपको नेगेटिव रख देना है, और इसका जो पॉजिटिव होता है वो आपको जो IC का पिन नंबर 5 होता है उस पर आपको पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर सोल्ड कर देना है। तो मैं आपको सारा कनेक्शन बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। नेगेटिव को मैंने कैपेसिटर के नेगेटिव पर दे दिया है, और पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे IC के पिन नंबर 5 पर मैंने सोल्ड कर दिया है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको भी इसे सोल्ड कर लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ आपको स्पीकर किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ 8 इंच तक के 2 स्पीकर इजीली बजा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि TV में जो भी आवाज़ आती है वो IC की वजह से आती है। तो यहाँ पर ये रियल वर्क करेगी, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पीकर का जो कनेक्शन है उस पर मैंने यहाँ पर स्पीकर सोल्ड कर दिया है। आप इसके साथ 2 स्पीकर भी ईजिली बजा सकते हैं 8 इंच तक के। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑक्स केबल का कहाँ पर कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई का नेगेटिव वायर छोड़ किया है, वहाँ पे आपको नेगेटिव सोल्ड कर देना है। और पॉजिटिव को फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपेसिटर का एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से पॉइंट पे आपको पॉजिटिव पॉइंट सोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे IC के बिल्कुल सामने आपको एक कैपेसिटर नज़र आएगा, तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसके नेगेटिव पॉइंट पर आपको ऑक्स केबल का पॉजिटिव पॉइंट आपको ईजिली सोल्ड कर देना है, यहीं पर ये वर्क करेगा। वैसे फ्रेंड्स, आप इस सर्किट में 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे के और स्पीकर कनेक्ट करके आप इससे ईजिली चेक कर सकते हैं। जहाँ पे वायर टच हो जाएगा वहीं से इनपुट सप्लाई के सेक्शन होता है, तो आप इस तरीके से भी इसमें चेक कर सकते हैं इजीली। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप पुराने TV से एक ऑडियो एम्पलीफायर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।